एज पर सी बी गाइडलाइंस जिस भी कंपनी के रैंकिंग्स वन हंड्रेड वन से लेकर टू हंड्रेड फिफ्टी के बीच में आता है उसे मिड कैप कंपनीज बोला जाता है या जिस कंपनी के मार्केट कैप पाँच हजार करोड़ से लेकर के बीस हजार करोड़ का होगा वो कंपनी मिड कैप कैटेगरी के अंदर आती है अब चूंकि मिड कैप कैटेगरीज जो होते हैं वो अब मार्केट में अपना पोजिशन बना चुकी होती है वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा होता है और रिस्क की अगर बात करें तो स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है एंड रिटर्न में लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा रिटर्न मिलता है इसीलिए स्वीट स्पॉट माना जाता है अगर म्यूचुअल फंड में हमें ज्यादा रिटर्न और सेफर साइड में खेलना हो तो तो क्या सिर्फ रिटर्न देख के हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए कोई फंड है कोई म्यूचुअल फंड है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है फोर्टी परसेंट तो क्या वो बहुत अच्छा है शायद नहीं भी हो सकता है और इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हुए जाएंगे टॉप कैटेगरी के मिड कैप म्यूचुअल फंड लास्ट में फिल्टर आउट करके आपके सामने आपके स्क्रीन पे रखेंगे एंड यस आई एम नॉटी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल देर वट एवर आई एम टेलिंग इज माई एक्सपीरियंस इज माई एनालिसिस तो आप अपना ड्यू इंडेलिजेंस जरूर कर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले चलिए बिना टाइम वेस्ट के फाइंड आउट करते हैं कैटेगरी के अंदर टॉप म्यूचुअल फंड इस वीडियो में हम 29 म्यूचुअल फंड्स जो मिड कैप कैटेगरी में है, उनके उनको हम फिल्टर आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एंड लास्ट में हमारे पास जो फंड्स बच जाएंगे दैट विल बी द टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एज पर माय एनालिसिस तो सबसे पहला फिल्ट्रेशन हम करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसका 500 करोड़ से नीचे का होगा उसे हम इस लिस्ट से बाहर कर देंगे बिकॉज एसेट अंडर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आ, हम म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं तो लिक्विडिटी का क्रंच ना आए एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा लेस वॉलटाइल या लेस रिस्की म्यूचुअल फंड होता है तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे हम एक फिल्ट्रेशन लगाएंगे सेकेंड फिल्ट्रेशन लगाएंगे ड्यूरेशन ऑफ दैट मिड कैप म्यूचुअल फंड जो भी तीन साल से नीचे का होगा उसे हम इस लिस्ट से बाहर कर देंगे बिकॉज अगर तीन साल से नीचे का है तो हमारे पास इनफ डेटा नहीं होता कि हम एनालाइज कर सकते हैं सही तरीके से सो बेस्ड ऑन दिस फिल्ट्रेशन वी आर लेफ्ट विद ट्वेंटी म्यूचुअल फंडस अब हम फिल्टर आउट करने जा रहे हैं उन म्यूचुअल फंड्स को जो अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिटर्न लास्ट वन ईयर या टू ईयर में कम दिया है निफ्टी मिड कैप वन जो है इसका बेंचमार्क है और इसके कंपैरिजन में जो भी कलर किया हुआ म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाई दे रहा है उसे हम फिल्टर आउट करने वाले हैं बिकॉज इन्होंने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिटर्न कम दिया है इनफैक्ट मैं ये भी बता देता हूं कि थ्री इयर्स का रिटर्न भी आप किसी किसी का देखेंगे तो बेंच के बराबर का है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है होगा वन और समथिंग तो उसे भी हम फिल्टर आउट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट मेक्स नो सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दोज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिसपे जिसका रिटर्न इंडेक्स के बराबर है तो हम फिर वो क्यों एक्सपेंस उठाए जो कि हम उस एक्सपेंस को बचा सकते हैं डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करके सो आफ्टर दिस फिल्ट्रेशन वी आर लेफ्ट विद्स मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अब हम इसे फिल्टर आउट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क रिस्कियोज तो रिस्क रेशियो में हम कंसिडर करने वाले हैं एल्फा बीटा डाउन साइड कैप्चर रेशियो एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो तो जो भी रिस्क रेशियोज हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ईयर्स रिटर्न एंड एज ऑन थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो सबसे पहले हम एल्फा की बात करते हैं एल्फा में सबसे ज्यादा एल्फा अगर किसी यहाँ पे मिड कैप म्यूचुअल फंड का है दैट इज क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कि नाइन पॉइंट 4% है इसका मतलब ये हुआ कि क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 9.4% रिटर्न पर परसेंट टाइम्स रिटर्न्स ज्यादा दिया है तो जिसका अल्फा जितना ज्यादा हाई होगा उसका रिटर्न उतना ज्यादा होगा वहीं बीटा की अगर बात करें तो बीटा होता है बीटा का मतलब होता है कि जो फंड वन से नीचे होगा जिसका बीटा वो उतना ज्यादा कम वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन उसमें कम होगा तो बीटा इन सिक्स म्यूचुअल फंड में है हैं डाउनसाइड कैप्चर एंड अपसाइड कैप्चर के बारे में वेरियस मार्केट कंडीशन में आपकी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा इसे अगर हमें एनालाइज करना है तो हम डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं देखिए मार्केट में ना दो सिचुएशंस आते हैं एक बोल रन आता है एक बेयर रन आता है कभी कभी साइड भी चलती है मार्केट तो जब बोल रन आता है मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है उस समय हम अपसाइड कैप्चर रेशियो का ट्रेंड देखते हैं ये हंड्रेड से जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपके म्यूचुअल फंड का होगा जैसे कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 120 है दैट मींस इसने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 20 परसेंट रिटर्न ज्यादा दिया अभी अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है दैट मींस बेयर रन की तरफ आ रही है तो आपको डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखना है ये हंड्रेड से जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है तो हम चलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो हमने मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं उसका डाउन एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो चेक करें तो यहाँ हम जब देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट प्लान जो है इसका डाउन कैप्चर रेशो सबसे कम है दैट इज फोर्टी तो ये अपने बेंचमा uh, के कंपैरिजन में जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया और वहीं अगर हम अपसाइड कैप्चर रेशियो ट्रेंड्स को देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अपसाइड कैप्चर रेशियो में क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है डायरेक्ट प्लान उसका अपसाइड कैप्चर रेशियो सबसे ज्यादा है दैट इज वन हंड्रेड एंड इलेवन तो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो और अपसाइड कैप्चर रेशियो के बेसिस पर हमें महिंद्रा मनु लाइफ एंड निपोन इंडिया ग्रोथ फंड को यहाँ पे फिल्टर आउट करना पड़ेगा बिकॉज डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखें महिंद्रा मनु लाइफ का तो हंड्रेड के बहुत ही ज्यादा नजदीक है नाइनटी और अपसाइड कैप्चर रेशियो तो बिल्कुल ही हंड्रेड है तो यहाँ पे डाउन साइड कैप्चर फंड की परफॉर्मेंस जब मार्केट गिर रही थी तो उसमें ये भी इसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला और मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसने बेंचमा को भी बीट नहीं कर पाया पायान इंडिया ग्रोथ फंड का भी अगर हम डाउन साइड कैप्चर एश्यू देखे थे वो 100 के करीब ही है 81 है ठीक है चलेगा थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा सकता है बट अगर अपसाइड कैप्चर एश्यू देखें तो मार्केट जब बढ़िया परफॉर्म कर रहा था तो भी निपोन इंडिया का जो था ग्रोथ फंड वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था अपने बेंच मार्ग के कंपेरिजन में इसलिए हम इस दोनों फंड को यहाँ पे फिल्टर आउट करते हैं और हमारे पास जब ऑप्शन हैं अवेलेबल जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हम फिर और उस अच्छे ऑप्शन को क्यों नहीं सेलेक्ट करें इस बेसिस पर अब हमारे पास बच जाते हैं टॉप फोर मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसे हम फर्दर और एनालाइज करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न एंड अदर पैरामीटर्स तो रिस्क वर्सेस रिटर्न में कुछ खास नहीं है बिकॉज आप म्यूचुअल फंड जब मिड कैप वाली फंड कैटेगरी सेलेक्ट करें तो ये रिस्क तो होगा ही उसमें ये कैटेगरी ही रिस्की है तो सारे फंड्स इसमें रिस्की ही होंगे रिटर्न उसके कंपेरिजन में हाई तो होगा ही होगा अगर आप कंपेयर करें लार्ज कैप फंड से तो सो वेन नाउ लुक इन द अदर पैरामीटर्स जो कि एक्सपेंस रेशियो पी रेशियो टर्न एंड फंड मैनेजर्स के बारे में बताता है एक्सपेंस रेशियो जिसका जितना कम है उतना अच्छा है ई रेशियो एक्सपेंस रेशियो ये दोनों चीज़ें मैंने पहले भी बताए हैं आपको पुरानी जो वीडियो है मेरी जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरी डिटेल में बात की है जहाँ पे मैंने समझाया एक्सपेंस रेशियो का आ, कम होना क्यों जरूरी है पी रेशियो -E क्या होता है फंड मैनेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर जा देखिएगा मैं टर्न ओवर रेशियो की बात करता हूँ यहाँ पे टर्न ओवर रेशियो हम देखते हैं यहाँ पे क्वांट मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल का सबसे ज़्यादा है जो कि 100 से ऊपर है इसका मतलब ये हुआ कि इनके पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स लास्ट वन ईयर में कंप्लीट चेंज हो चुका है मोतीलाल ओसवाल का जैसा वन हंड्रेड फिफ्टी परसेंट कह देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स साल में एक बार तो बदल ही दिया है और फिफ्टी परसेंट भी चेंज हो चुका है सबसे है क्वांट मिड कैप का टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव परसेंट लगभग तीन बार उन्होंने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बदल चुका होगा ये बिलीव करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर दैट्स वाई दे चेंज देयर पोर्टफोलियोज फ्रीक्वेंटली वहीं अगर हम रेस्ट टू मिड कैप मरफंड्स की बात करें जैसे एच डी एफ सी मिड कैप एंड एस बी आई मैगनम इनका जो टर्न ओवर रेशो है दैट इज़ एट पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट रेस्पेक्टिवली जो कि बहुत कम है ये बिलीव करते हैं बेसिकली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे कि इनको अपने कॉन्फिडेंस रहता है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है पोर्टफोलियोज में वो काफ़ी अच्छा है और हम इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये तो रहा टर्न ओवर एश्यू फंड मैनेजर्स की भी बात कर ले तो यहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हमें एच डी एफ सी मिड कैप एंड एस बी आई मैगनम मिड कैप में दिखाई दे रहा है जो कि अपने फंड को टेन पॉइंट नाइन ईयर्स से हैंडल कर रहा है बाकी मोतीलाल ओसवाल एंड क्वान मिड कैप फंड में भी फंड मैनेजर्स के नाम और उनके फंड को होल्ड करने का जो ड्यूरेशन है वो आप अपने स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से वी आर लेफ्ट आउट विथ टॉप फोर म्यूचुअल फंड्स जो कि मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस मेरे एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने लायक है आज आज भी और आगे भी सो वेल फ्रेंड्स हमने फिल्टर आउट कर लिया टॉप फोर म्यूचुअल फंड्स जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर है अब आपके मन में एक सवाल ये उठेगा कि मुझे कौन से फंड को चूज करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको खुद देना है बिकॉज मैंने एनालिसिस किया है ऑन वेरियस पैरामीटर्स आपको यह डिसाइड करना कि आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसा है आप कितना रिस्क उठा सकते हैं आप वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहते हैं या ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहते हैं तो मेरा जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है वो थोड़ा मिक्स होता है मैं रिस्क भी लेता हूँ और आ, कई जगहों पे मैं वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ ताकि वो कंपनसेट हो सके जब नुकसान हो मार्केट जब नीचे की तरफ जाए तो ये आपका भी इन्वेस्टमेंट एक कोई स्टाइल हो सकता है अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं आप लो रिस्क उठाना चाहते हैं तो इट्स बेस्ट आँख बंद कर करके निफ्टी वन फिफ्टी मिनट कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए जो कि इसका इंडेक्स है इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज बट लेकिन आपका अपना खुद का रिसर्च भी होना जरूरी है बताई वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस है ओके सो वेल इन्वेस्टर्स वी हैव रीच्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपको आपने इस वीडियो को यहां तक देखा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इट वीडियो लाइक बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक तो पहुंचेगी तो लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए दोस्तों के लिए मिड कैप कैटेगरी के फंड सेलेक्ट करेंगे अच्छे तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय हैप्पी इन्वेस्टिंग